told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाली विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइज आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत टाइम के बाद आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मंगलसूत्र का कलेक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का कलेक्शन पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनमें से आपको सबसे अच्छा कलेक्शन कौन सा लगा, डिज़ाइन कौन सा अच्छा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे वीडियोस में, मैं बहुत ज़्यादा ढिलाई कर दिया है। मैंने प्रॉपर कोई वीडियो आजकल मैं नहीं बना पा रही हूँ। आई रियलाइज़ कि मेरा 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो 4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रही थी। वो मीटिंग की प्रॉब्लम, बेटे की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से दिमाग और मूड बिल्कुल सही नहीं था। दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बस ऐसे ही मन कर रहा था कि पड़े रहो। बस बड़े मुश्किल से घर के छोटे मोटे काम कर पा रही थी, झाड़ू बर्तन छोटे मोटे काम, बाकी किचन के सारे काम जो है ना बेटी ही देख रही थी। बर्तन वगैरह सारा वही कर रही थी, रोटियां वगैरह वही बनाती है। मैं बस जैसे तैसे सब्जी बना देती थी, वो अपना काम कर, बेचारी सारा काम अपना देख रही है। तो चलिए ये हो गई लाइफ से अपडेट बातें, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मेरे कलेक्शन देख रखे हैं, तो अभी मैं स्टार्ट इसलिए अपने कलेक्शन से कर रही हूँ क्योंकि मैं अब ना सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ ना अब आने वाली जो वीडियो है ना बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन शेयर करने की मैं कोशिश करूँगी। बस कह रही हूँ और पता नहीं सिचुएशन और वक्त जो भी करा दे, क्योंकि वक्त का नहीं पता होता कि आज हम क्या कह रहे कल क्या होगा, तो इसी वजह से मैं बोलती तो हूँ लेकिन चीज़ें हो नहीं पाती, बोला हुआ चीज़ नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को भी ना बहुत हेल्प भी मिलेगी। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी डिज़ाइन पैटर्न पसंद आ रही है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके जो है ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जो है सर्च कर सकते हैं। इनमें जो भी आज मैं कलेक्शन दिखा रही हूँ ना, इनमें मैंने कोई भी वैसा इंक्लूड नहीं किया है, बस आप लोगों को एक कलेक्शन दिखा रही हूँ। और उम्मीद करूंगी कि मेरे ये जो गोल्ड के ज्वेलरी है, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, ऑनलाइन मैंने लिए हैं, कुछ ऑफलाइन लिए हैं, आप लोगों को पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ बताना मुझे कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आप ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा करके रखती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहला जो मेरा मंगलसूत्र है ना, वो ये वाला पैटर्न में है और मुझे ना मंगलसूत्र ज्वेलरी कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इनमें छोटे छोटे ना स्टोन लगे हुए हैं इस तरीके का, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें छोटे ब्लैक मोती। बाकी ये चैन के डिज़ाइन में है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है इस तरीके का पैटर्न। और काफ़ी टाइम से मैंने ये वाला मंगलसूत्र वेयर कर रखा है, एक सिंगल स्टोन वाला, इसको मैं आज चेंज करूँगी और ये वाला मंगलसूत्र वेयर करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आपकी मैरिड हुई है, नहीं, अगर आपको भी मेरी तरह मंगलसूत्र बदल बदल के पहनने का शौक है तो आप भी बाय करके रख सकते हैं और एक कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कलेक्शन तैयार करे। अब देखो मैंने ब्राइटनेस कम कर दी है ना, तो मेरा फेस कैसा आ रहा है, थोड़ा सा सही करते हैं इसको, बस इतना रहने देते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा सबसे पहला मंगलसूत्र जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। इस तरीके का पैटर्न है, उसमें जो स्टोन की क्वालिटी वगैरह है ना, इसको साल भर हो गया मुझे लिए हुए, लेकिन इसकी क्वालिटी एज इट इज़ है जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया हुआ था। और अब बात करते हैं सेकंड मंगलसूत्र की। इसमें आप देखोगे ना तो छोटे छोटे स्टोन के ना सर्कल लगे हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। तो सेकंड वाला जो है मेरा इस तरीके का पैटर्न में है, इसमें बीच में गोल्डन मोती लगी हुई है और सिल्वर स्टोन से इसमें वर्क है। इस तरीके से जब आप इसको वेयर करोगे ना, ये बहुत सुंदर लगता है साड़ी वगैरह के साथ एक इस तरीके का डाल के, कुछ लॉन्ग में अगर आप लंबा कुछ माला वगैरह पहनते हैं तो बहुत सुंदर पैटर्न लगेगा। देख सकते हैं ये इस तरीके का डिज़ाइन है इसका, ये लेकिन लगता बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिले, मेरे डिज़ाइन वगैरह पसंद आए तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास इतने सारे लेटेस्ट डिज़ाइन है ना कि मैं क्या ही बोलूं। हर तरह का डिज़ाइन मैंने रखा है। एक मैंने ये पत्ती वाला रखा है इस तरीके का, बहुत ज़्यादा चला हुआ था, बीच में एक पत्ती जो है निकल गई हुई है, तो इसे आप इग्नोर करना लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम की। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा
मस्ती कर ली है, बहुत ज़्यादा टाइम पास कर लिया, कुछ हालात कुछ सिचुएशन कुछ तबीयत जो है साथ नहीं दे रहा था और वीडियो में मैंने बिल्कुल भी इधर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए इस तरीके का पैटर्न है और जो कि अगर आप इसको इस तरीके से पहनोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मैंने एक फंक्शन में ना इसको इसी तरीके से बांध के और कुछ गले में हैवी सा पहना था और 3-4 लेयर मैंने खुद से बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अगर आप देखोगे तो इसकी जो शाइनिंग है ना पत्तियों की, ये बहुत जो डिज़ाइन पैटर्न है ना मंगलसूत्र के, वो मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप देखो एक मैंने इस तरीके का डाला है और एक इस तरीके से अगर आप गले में बांध के पहनो ना तो बहुत सुंदर सा एक लुक निकल कर आता है। अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि आप लोगों को ये वाला पैटर्न कैसा लगा। मुझे लगता है कि मेरे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट कलेक्शन है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, इस तरीके का डिज़ाइन है देख सकते हो, इसमें से 2-4 स्टोन निकल गए हैं लेकिन जितने भी डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सभी यूनिक एंड ट्रेंडी है। बहुत कम लोकल मार्केट में इस तरीके का डिज़ाइन मिलता है। लोकल मार्केट में भी अगर आप लेने जाओगे ना तो वही रिपीटेड डिज़ाइन मिलते हैं जो कि हर कोई पहनता ही है। लेकिन आप मेरे पास कलेक्शन अगर आप देखोगे ना तो मेरे पास मुझे लगता है कि सबसे हटके कलेक्शन है, सबसे डिफरेंट चीज़ें जो है मैं रखती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। कल मैं कुछ और शेयर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट ये वाला पैटर्न तो आपने ऑलमोस्ट सबके पास देखा होगा तो ऑफकोर्स मेरे पास भी है। तो ये देखिए इस तरीके की 2 गोल्डन मोती के साथ आधा मतलब हाफ गोल्डन चैन है इसमें और बाकी ब्लैक मोतियों के साथ, जो मंगलसूत्र का जो लुक एक्चुअल आता है वो ब्लैक मोतियों के साथ आता है चाहे कुछ भी डिज़ाइन कर ले। तो नेक्स्ट जो है ना इस तरीके का पैटर्न आपको सबके पास देखने को मिलेगा, ये वाला गोल्डन पैटर्न। तो ये इसको मैं नहीं कहूँगी कि यूनिक है लेकिन अब मैं आपको अपना जो मैंने खुद मंगलसूत्र का डिज़ाइन बनाया है ना वो दिखाती हूँ। इस वाले जो आप चैन देखोगे ना, ऑनलाइन आप सर्च करके देखना, आपको ये वाला चैन का अब जो है देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत पहले इसको खुद घर पे बना डाला है, देख सकते हैं ये मैंने घर पे ही बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मैंने ब्लैक एंड गोल्डन मोतियों के साथ पिरो के और नीचे ब्लैक क्रिस्टल और ऑरेंज क्रिस्टल मोतियों के साथ पूरा इसको पिरो के बनाया है, देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और मुझे साड़ियों के साथ ना लॉन्ग मंगलसूत्र पहनना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आप इसकी चैन की डिज़ाइन देखोगे ना तो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। और ये वाला पूरा ये जो है ना ये सारा मैंने घर पे बनाया है, ये मैंने खरीदा नहीं है। आप लोगों को अगर याद होगा तो ये देखो तो काफ़ी लंबे में मैंने बनाया है क्योंकि जो थोड़ा सा बड़ा लॉकेट होता है ना उसके साथ लंबा चैन ही अच्छा लगता है। अगर मैं इसको वेयर करती हूँ तो ये इसका लुक जो है ना इतना आता है, तो ये देख सकते हो ये वाला डिज़ाइन है। तो बताना कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। मुझे पंखा बंद करते बहुत गर्मी आने लगती है, ये देखो कितनी स्वेटिंग हो रही है। नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना फेवरेट, मुझे ये वाला मंगलसूत्र ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चैन के साथ है लेकिन बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये मैंने एक फंक्शन में अभी पहन के गई थी गाजियाबाद, तो वहाँ पे ना सब बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे इस मंगलसूत्र की। और ये बिल्कुल देख सकते हो उसका डिज़ाइनिंग पैटर्न इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, बीच बीच में आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें जो है रंग भर गया था, मैंने होली के दिन इसको पहन के होली खेल ली थी तो इसमें गुलाबी ऑरेंज सारा अबीर भरा हुआ है। तो इसकी जो चैन की जो लेंथ है ना वो भी काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है, ये देखिए पूरा अगर मैं यहाँ से वेयर करूँ तो इसकी जो लॉकेट है यहाँ तक आती है मेरे। और मोस्टली जितने भी मेरे लॉन्ग मंगलसूत्र है ना उनकी लेंथ मैंने इतना ही रखा हुआ है, यहाँ तक रखा हुआ है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कुछ लॉन्ग मंगलसूत्र और कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिनको मैं शॉर्ट पहनना ही पसंद करती हूँ। एक मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला पैटर्न जिसमें छोटे छोटे से टेडी वियर बने हैं और स्टोन का इसमें काम है। ये मंगलसूत्र भी मुझे बहुत पसंद आता है, इसको भी मैं जो है थोड़ा सा टाइट करके वेयर करती हूँ और बहुत सुंदर सा लुक आता है। ये देख सकते हैं टेडी वेयर एंड क्रिस्टल, और इस तरीके का जो है लुक करने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ख़ासकर चेंज कर करके पहनने में ना बहुत मेरे को थोड़ा सा शौक है पहनने का। तो देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, बीच में एक एक स्टोन दे रखा है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा नीचे करके भी वेयर कर सकते हैं लेकिन इस तरीके वाला जो मंगलसूत्र है ना मैं थोड़ा सा ऐसे वेयर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे छोटा सा ये चैन दे रखा है लटकन में जो कि बहुत ही अच्छा यूनिक ट्रेंडी डिज़ाइन है। और अब आपको ये देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन। बहुत पहले जब मैंने ये वाला
मंगलसूत्र शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका मेरे से वो मांगा था कोड, और मैं उस समय दे नहीं पाई थी क्योंकि वो लिंक और कोड हट चुका था। नेक्स्ट मंगलसूत्र दिखाऊंगी इयररिंग्स के साथ, देख सकते हैं इसके साथ मुझे ये इयररिंग्स रिसीव हुई है। इयररिंग्स के साथ मंगलसूत्र भी बहुत सुंदर लगता है, अगर आप बहुत सिंपल रहना चाहते हैं तो मंगलसूत्र और सेम उसी का इयररिंग्स वेयर करके ये वाला मंगलसूत्र ले सकते हैं। इसे भी मैंने ऑनलाइन ही लिया है और इसका लुक बिल्कुल, इसकी जर्कन, इसके स्टोन वगैरह जो है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। देख सकते हैं ग्रीन एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है, इनमें जो स्टोन लगे हुए हैं ना बिल्कुल फिक्सेड है, ऐसा नहीं है कि बाहर के एक स्टोन होता है ना बाहर को लगे हुए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी भी लेंथ बहुत अच्छी खासी है, मंगलसूत्र भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आपको इस तरीके का पैटर्न, इसमें दो चैन दिया हुआ है, इस तरीके के पैटर्न में अगर आपको मंगलसूत्र पहनना पसंद है तो ऑनलाइन अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा बहुत ईजिली, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसे बाय किया था ऑनलाइन। और ये वाला पैटर्न सच बताओ तो मेरे को बहुत पसंद है। तो इस तरीके के मेरे को छोटे से बॉक्स में रिसीव हुआ था, जो जैसा रिसीव होता है मैं उसको वैसे ही रखने की कोशिश करती रहती हूँ। अगर मैं लॉकेट की बात करूँ तो मैंने एडवांस में बहुत सारे इस तरीके के लॉकेट भी लेके रखे हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत बार शेयर कर रखा है। ये कुछ पिकॉक में है और ये जैसा मैंने बाय किया था एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है आज तक, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रिटी लगता है। तो अब इयररिंग्स के साथ मैं मंगलसूत्र दिखा रही हूँ, तो एडी का मंगलसूत्र आपको कैसे, मतलब मैं पीछे रह जाऊँ तो ये देख सकते हैं, ये एडी का मंगलसूत्र है जिसमें बीच में एक मैरून कलर का स्टोन लगा हुआ है, पूरा जर्कन वाला है, देख सकते हैं फिक्सेड वाला एडी जिसको बोलते हैं, एडी की ज्वेलरी ये देखिए। ये वाले मंगलसूत्र भी मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसके साथ सेम आपको इयररिंग से मिलती है। और ये मैंने लिया था आई थिंक कई साल पहले सरोजनी नगर से, जो कि बहुत अच्छा खासा मैंने मंगलसूत्र के कलेक्शन इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये मैं जो है ना इयररिंग्स के साथ भी बहुत सारे लिए थे, इसकी इयररिंग्स देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रिटी है एज इट इज़, आज भी वैसे का वैसा ही है, एक भी स्टोन इसमें से मिस नहीं है, देख सकते हो आप, तो बहुत सुंदर लगता है। आप बताना कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं दिखाऊँ तो इस तरीके का मंगलसूत्र है, इसका पैटर्न आपको ऑनलाइन जरूर मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इसका पैटर्न जो चैन का साइज है ना वो मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे को अलग अलग तरीके से पहनना पसंद है, पता नहीं कहाँ जाके फंस गया। छूट गया। तो इस तरीके का इसका कुछ पैटर्न है, इसमें से भी एक स्टोन मिस नहीं है। और इसके साथ मुझे ऐसा इयररिंग्स रिसीव हुआ था, देख सकते हो ये बहुत सुंदर लगता है इयररिंग्स के साथ। प्लीज गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे को लगता है कि अभी मेरे को बहुत मेहनत की ज़रूरत है, मेरे को व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ अपने लाइफ को लेके, और मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बट फिर भी अगर आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जब प्यार और सपोर्ट मिलना बंद हो गया ना तो मेरा मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं डाउन हो गया, क्योंकि गाइस इतना मेहनत करने के बाद अगर किसी को व्यूज़ ना मिले ना तो सच बताऊँ मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता है। अभी भी लिटरली मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मैंने 4 दिन से मतलब मेरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, मैं सिर्फ और सिर्फ पानी और चाय पे डिपेंड थी 4 दिन से, आज 4th दिन है, आज मैंने बड़े मुश्किल से एक रोटी या थोड़ी सी लस्सी पी है जब जाके मेरे को वीडियो बनाने की हिम्मत आई है। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है काम करने का और हौसला भी मिलता है। तो प्लीज़ गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, तो शायद मैं आप लोगों के साथ और भी नए अच्छे कलेक्शन शेयर कर पाऊँ। आई नो कि मैं पुराने कलेक्शन शेयर कर रही हूँ, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को इस समय ना मेरा जो चीज़ें है ना वो रुक रखी है कुछ, इसी वजह से मेरे को फिर से ज्वेलरी के ऊपर ही काम करना पड़ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं वीडियो ये वाली क्यों बना रही हूँ। तो देखिए नेक्स्ट जो है ये वाला लॉकेट है, इस तरीके का लॉकेट भी मैंने बहुत सारा लेके रखा है, चैन भी मेरे पास बहुत सारे हैं, एक एडी का इसका चैन मैंने निकाल दिया था, बहुत अलग अलग एडी के भी मैंने मंगलसूत्र ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो ये देख सकते हो इस तरीके का एक पैटर्न है, ये भी एडी का, एडी में ही आता है, और इनके अगर कलर भी चले जाते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्चुअल कलर इनका यही होता है। और नेक्स्ट मैंने
ये नाम वाला लिया था, अपने नाम का मंगलसूत्र लिया था। वैसे तो मुख कोई और नाम का लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने अपने नाम का मंगलसूत्र लिया था। तो ये भी तो कॉमन है, इसमें कुछ दिखाने जैसा कुछ है नहीं। और ये सारा है मेरे पास, इतना सारा मैं जो है इसको भी सारा ऑनलाइन ही लिया था। मोस्टली तो मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, और बहुत बार बता भी चुकी हूँ कि मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करना पसंद करती हूँ। और ये मैं इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा जो है ना छोटा सा लॉकेट गोल्ड का है, अगर आप लोगों को पता हो तो। ये देख सकते हैं, ये छोटा सा मैंने लिया था, बड़े मुश्किल से इसको भी मैंने लिया था। इसके पीछे भी मेरी बड़ी मेहनत, बड़ी कहानी है। तो ये छोटा सा मैंने लॉकेट लिया था सोने का, और इसको मैंने कोई चैन वैन नहीं बनवाई थी, क्योंकि इतना नहीं था कि चैन बनवाऊँ। बस जैसे तैसे एक डेली वेयर के लिए ना छोटा सा लॉकेट मैंने ले लिया था, लेकिन पहन मतलब कुछ टाइम तक पहना, कई महीने तक मैंने इसको वेयर करके रखा था, उसके बाद जो है निकाल के रख दिया है। तो इन्हीं के साथ मैं रख देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिक्योर करके रखती हूँ। और कोई डब्बा मेरे पास रखने की ना जगह नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको क्या हाथ में मिलता है, हाथ में नहीं मिलता है, डब्बा भी मिलता है और बैग भी मिलता है, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सारा जो है इतने सारे डब्बे को कैरी कर पाऊँ। तो नेक्स्ट ये वाला मंगलसूत्र है, अगर आप लोगों को इसका डिज़ाइन पैटर्न पसंद आ रहा है तो मुझे बताना, और इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके के मंगलसूत्र मेरे पास बहुत सारे हैं, ये देख सकते हो। क्या आपको इन सभी में से कौन सा डिज़ाइन सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वो जो मैंने अभी पहला वाला दिखाया था वो मेरा गोल्ड का है छोटा सा, और आपको बताया ना उसके पीछे मेरी बहुत स्टोरी है कि कैसे मैं पैसों को ले लेके छुपा छुपा के रखती हूँ, कैसे मैं बचा के रखती हूँ, कैसे चीज़ों को मैं खरीदती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट और हुनर है जो कि सब में नहीं होता है, पैसों को जो है बचाना, छुपा के रखना। एक ये मैंने लिया था कपल वाला, जो कि अभी नया एज इट इज़ है। जब मैं कहीं जाऊँगी ना तो इस कपल वाले को ज़रूर वेयर करूँगी। फिलहाल अभी हमारा चल रहा है झगड़ा, क्योंकि कुछ बातचीत अभी नहीं हो रही है मेरी। क्या मैं बताऊं, जब मेरा मूड सही होता है ना तो तब मुझे सारी दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मेरा मूड ख़राब होता है ना तो मुझे सारी दुनिया बुरी लगने लगती है। मेरे को कुछ भी उस समय अच्छा नहीं लगता है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं तो जैसा मैंने बताया ना, सब जैसा मुझे मिला है सब वैसे ही मैंने पैक कर करके रखा है। ये पत्ती वाला डिज़ाइन जो है ना, ये बड़ा सुंदर लगता है, अगर आप जैसे कहीं ट्रेवल वगैरह में जा रहे हैं ना तो इस तरीके का कलेक्शन इकट्ठा करके रख सकते हैं और अलग अलग वेयर कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है गाइस, हर किसी का शौक होता है ना हर चीज़ पहनने का, तो मेरा भी शौक है। देखिए तो छोटे मोटे शौक है जिसे मैं अपना पूरे करती रहती हूँ। पता नहीं ज़िंदगी मुझे नहीं लगता है कि दो दिन की है, चार दिन की है, अभी तो क्या मैं बोलूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस अपनी जो ज़िंदगी है ना उसे तो कम से कम मैं जी लूँ। नेक्स्ट दिखाऊँ ये वाला पैटर्न, तो गाइस बहुत सुंदर लगता है, बहुत 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 ज़्यादा ही प्रिटी है ये वाला डिज़ाइन, देख सकते हो। अगर आप इसको मैं एक्चुअल थोड़ा सा ना फोकस करके आपको दिखाती हूँ इसका डिज़ाइन, ये देखिए, ये रियल में बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाला मंगलसूत्र है, देख सकते हैं। वेयर करने के बाद भी बहुत सुंदर लगता है। ऑलमोस्ट मैंने आपको बहुत सारे कलेक्शन दिखा दिए हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। अभी तो मैंने आधे से ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है, जो भी अभी सामने मिला मुझे वो मैं लेकर आई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता थोड़े से बड़े साइज में है, देख सकते हैं, लेकिन है बहुत सुंदर। हर तरह का मंगलसूत्र है मेरे पास, लगता बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए, अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे ना कहोगे, ये देखिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके फिर आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ऐसा कुछ डिज़ाइन दिखता है इसके। इन सभी के चैन जो है ना काफ़ी अच्छे खासे लेंथ में चैन दे रखे हैं, आप साड़ी के साथ आराम से वेयर कर सकते हो। इन सभी का जो चैन का साइज़ है ना वो बहुत बड़े साइज में है, ये देखिए यहाँ तक आते हैं, और काफ़ी अच्छा साइज दे रखा है चैन का भी। नेक्स्ट जो है यही वाला सेम है, क्योंकि मैंने दो बार मंगाया था ऑर्डर करके, तो
इसीलिए दो पैटर्न है। नेक्स्ट मैं एक और आपको दिखा दूँ, सेम इसी से मिलता जुलता एक और है मेरे पास, ये देखिए। ये भी डिज़ाइन आपको बहुत सुंदर लगेगा, ये देखिए। ये किससे मिलता जुलता है मैं आपको, ये देखिए, ऐसा मैंने आपको तीन दिखा दिया, थोड़ा साइज का फर्क है तीनों में, ये देखिए, ये देखिए, और एक ये है। थोड़ा थोड़ा साइज का फर्क है, थोड़ा थोड़ा डिजाइन का फर्क है, लेकिन तीनों है बहुत सुंदर। तो आप बताना कमेंट में, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ। तो गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा मंगलसूत्र का कलेक्शन, और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि मैंने बता दिया कि आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है काम करने का। मैं इससे अच्छा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं मंगा नहीं सकती हूँ या फिर मंगाना नहीं चाहती हूँ, बस मैं यही सोचती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, लेकिन उसमें मेरे को जो व्यूज़ है ना बिल्कुल भी नहीं आया, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई, फिर मैंने कुछ भी ऑर्डर करके नहीं मंगाया। और मंगाती भी हूँ तो शॉर्ट वीडियो में डाल के वीडियो ख़त्म कर देती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे अच्छे आप लोगों के साथ कलेक्शन शेयर करूँ, अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँ, तो प्लीज़ आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो फिर मैं आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन लेकर आने वाली हूँ। और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा आज का कलेक्शन कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के वीडियोज़ में व्यूज़ आएंगे, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद से अपना आज का वीडियो बना रही हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।